हेलो, आई एम दीक्षा एंड वेलकम टू एक्सचेंज ऑफ लॉज। सो ये सेशन ऑर्डर 23 सीपीसी पर रहेगा कि अगर प्लेंटिव सूट को इंस्टीट्यूट होने के बाद अगर विड्रॉ करता है तो प्लेंटिव फ्रेश सूट नया केस अप्लाई कर सकता है या फिर नहीं ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन पर, या फिर अगर प्लेंटिव अपने केस को कॉम्प्रोमाइज करता है कोर्ट इस कॉम्प्रोमाइज को वैलिड मानेगी या फिर नहीं और इस पर डिक्री पास कर सकती है या नहीं, एंड कंसेंट डिक्री के अगेंस्ट में अपील है या फिर नहीं है, तो ये सारी चीजें डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले विड्रॉल। केस के इंस्टीट्यूट होने के बाद प्लेंटिफ के पास ये पूरा राइट है कि प्लेंटिफ अपने केस को वापिस या फिर उसको छोड़ सकता है, पर प्लेंटिफ के पास दो ऑप्शन है, या तो वो कोर्ट की परमिशन से विड्रॉ करे या फिर कोर्ट की बिना परमिशन के। क्यों? क्योंकि परमिशन मैंडेटरी नहीं है, पर इसके इफेक्ट में फर्क आएगा। क्लियर? तो प्लेंटिफ को एफिडेविट के थ्रू ये रीजन देना होगा कि प्लेंटिफ अपने केस को विड्रॉ वापिस क्यों लेना चाहता है। तो ऑर्डर 23 में विड्रॉल के दो ग्राउंड्स दिए हुए हैं कि अगर केस में फॉर्मल डिफेक्ट्स है, फॉर्मल डिफेक्ट्स का मतलब है कि प्रोसीजरल डिफेक्ट्स, जैसे कि सेक्शन 80 के अकॉर्डिंग आपने नोटिस नहीं भेजा टू द गवर्नमेंट, जिस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आप केस सूट फाइल कर रहे हो, अगर आपने नोटिस नहीं भेजा तो ऑब्वियसली आपका केस डिसमिस किया जा सकता है एक्सेप्ट इन एक्सेप्शनल केसेस। क्लियर? कोई भी प्रोसीजरल अगर डिफेक्ट है जिसके कारण आपके केस पे इफेक्ट पड़ सकता है, तब प्लेंटिव इस सिचुएशन में विड्रॉ कर सकता है विद द कोर्ट परमिशन। क्लियर? पर फॉर्मल डिफेक्ट में वो ग्राउंड्स इंक्लूड नहीं होंगे जो केस के मेरिट से रिलेटेड है। यहाँ पर सिर्फ प्रोसीजरल डिफेक्ट्स की बात हो रही है, एंड अदर कोई भी अदर सफिशियंट कॉज है अगर, तो उस केस में भी कोर्ट परमिशन दे सकती है फॉर सच विड्रॉल। क्लियर? पर अगर प्लेंटिफ कोर्ट की परमिशन से विड्रॉल करता है तो फ्रेश सूट नया केस ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन पर फाइल कर सकता है। क्लियर? एंड इंडियन लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग नया केस इसी तरीके से फाइल किया जाएगा जैसे कि जो पहला केस था जिस केस को विड्रॉल किया गया, ये केस फाइल हुआ ही नहीं। क्लियर यहां तक? एंड नेक्स्ट वन, अगर प्लेंटिफ बिना कोर्ट की परमिशन के विड्रॉल करता है तो कोर्ट उस पर कॉस्ट भी इम्पोज कर सकती है, एंड उस कॉस्ट के लिए प्लेंटिफ लाइबल होगा, एंड दूसरा नया केस फ्रेश सूट को इम्पोज नहीं कर सकती। बिल्कुल बार लग चुका है कि वो दोबारा से नया केस फाइल नहीं कर सकते। क्लियर? और अगर प्लेंटिफ माइनर हो या फिर अनसाउंड माइंड हो तो इस केस में कोर्ट की परमिशन जरूरी है। बिना कोर्ट की परमिशन के मैटर को विड्रॉ या फिर अबेंडन या फिर इवन कॉम्प्रोमाइज भी नहीं किया जा सकता। क्लियर? तो कोर्ट की परमिशन से अगर प्लेंटिफ अपना केस को वापस लेता है तो अगर सेवरल डिफेंडेंट्स है, कई सारे डिफेंडेंट्स है, तो एक डिफेंडेंट दूसरे डिफेंडेंट्स के अगेंस्ट में प्लेंटिफ बन सकता है। ऑर्डर 1 रूल 10 के अकॉर्डिंग अगर एक डिफेंडेंट के पास अदर डिफेंडेंट के अगेंस्ट में कोई इशू है जो कि डिसाइड होना है, तो उस केस में ये डिफेंडेंट कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है कि उसकी पोजीशन को ट्रांसफर किया जा सके एज अ प्लेंटिफ। अगर कोर्ट सेटिस्फाई होती है तो डिफेंडेंट को एज अ प्लेंटिफ कंसीडर उस मैटर में किया जा सकता है। क्लियर? एंड इस सेशन का दूसरा पार्ट जो कि कॉम्प्रोमाइज से डील करता है, अगर प्लेंटिफ
कोर्ट के बाहर कॉम्प्रोमाइज करता है विद द डिफेंडेंट या फिर कोई एडजस्टमेंट हो जाता है दोनों के बीच में, अगर वो मैटर रिप्रेजेंटेटिव नहीं है तो लॉफुल एग्रीमेंट या फिर लॉफुल कॉम्प्रोमाइज रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए एंड प्लस साइंड होना चाहिए बाय पार्टीज, या फिर डिफेंडेंट अगर प्लेंटिव को सेटिस्फाई कर दे, सेटिस्फाई मतलब मान लो ए एंड बी के बीच में एक प्रॉपर्टी के पोजीशन को लेके डिस्प्यूट था जिस पर बी ने कब्जा कर रखा था, पर बी इस लैंड के लिए, बी इस प्रॉपर्टी के लिए एंटाइटल्ड नहीं था, तो ए और बी कोर्ट के बाहर ही ये कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं कि बी इस प्रॉपर्टी का पोजीशन ए को दे देगा पर ए को कुछ सम ऑफ अमाउंट देना होगा जिसके लिए ए भी एग्री कर जाता है। तो दोनों के बीच में कोर्ट के बाहर ही एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो इस केस में इस एग्रीमेंट की क्या वैलिडिटी है? तो या तो ये रिटर्न में कर ले या फिर ये प्रूफ कर दे कि हाँ डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को सेटिस्फाई कर दिया है, तो इस बिहाफ पे कोर्ट डिक्री पास कर सकती है ऑन सच कॉम्प्रोमाइज, जो एग्रीमेंट या फिर जो कॉम्प्रोमाइज हुआ उसके बिहाफ पर, भले ही इस कॉम्प्रोमाइज का हाफ पार्ट ही सूट का सब्जेक्ट मैटर था। अगर कोई रिप्रेजेंटेटिव सूट है तो इस केस में बिना कोर्ट की परमिशन के अलाउड ही नहीं है कि बाहर कॉम्प्रोमाइज या फिर इसको एडजस्ट किया जा सके, पर अगर फिर भी होता है तो इसको वॉइड माना जाता है, इसको वॉइड माना जाता है। क्लियर? एंड अगर कोर्ट की परमिशन चाहिए तो कोर्ट परमिशन तब तक नहीं देती जब तब तक ऑल इंटरेस्टेड पर्संस को नोटिस ना भेज दे, एंड इस नोटिस के बाद ही कोर्ट लीव दे सकती है। क्लियर यहां तक? सो ऑर्डर 23 के दोनों पार्ट्स आपको क्लियर हो गया, एंड इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।